दो शिफ्ट में कराने से क्या धांधली का असर बढ़ जाता है? धांधली होगी, जिनसे पैसा लिया उनको एक शिफ्ट में बैठा दिया जाएगा, जिनसे पैसा लिया गया उनको एक शिफ्ट में बैठा दिया जाएगा। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत। अभी अभी बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार आ रहे हैं और क्या कुछ कहते हैं अभी मैं बात करता हूँ। हम लोग के परसेंटाइल हटाने की मांग है और वन शिफ्ट एग्जाम लेने की मांग है, क्योंकि मैं जो है 26 तारीख को मैं चेयरमैन से मिलने गई थी, उसने मुझे आश्वासन दिया गया। क्या मांगे फिर से बताइए, क्या मांगे? मांगे परसेंटाइल हटाइए, एक शिफ्ट में एग्जाम लीजिए और कोई नहीं, और होश में आओ। अभी हम लोग गांधी मैदान तक मार्च करेंगे, पीसफुली मार्च करेंगे, उसके बाद हम लोग बीपीएससी ऑफिस भी जाएंगे। इन लोगों ने सोचा था कि स्टूडेंट कमजोर है, नहीं है सर, हम लोग को बस एक शिफ्ट में एग्जाम था, ये परसेंटाइल सिस्टम जो लागू किया गया उसको हटा ले और सारे एग्जाम ये बीपीएससी का एग्जाम एक शिफ्ट में ले लिया जाए, बस इतना ही हम लोग का मांग है और हम लोग शांतिपूर्वक इस मांग को। यहाँ पर देख रहे होंगे लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर आ चुके हैं और दिलीप क्या कुछ मांगे हैं भाई? हम लोग की मांग है कि परसेंटाइल सिस्टम बीपीएससी पीटी में नहीं लागू हो और एक शिफ्ट में, सिर्फ एक शिफ्ट में एग्जाम हो, बस इतनी ही सी मांग है। जिस पैटर्न पे 8 मई को एग्जाम हुआ उसी पैटर्न पे दोबारा एग्जाम हो। दो 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 शिफ्ट में कराने से क्या धांधली का असर बढ़ जाता है? धांधली होगी, जिनसे पैसा लिया उनको एक शिफ्ट में बैठा दिया जाएगा, जिनसे पैसा लिया गया उनको एक शिफ्ट में बैठा दिया जाएगा। देख रहे होंगे बीपीएससी के दो शिफ्ट को लेकर अभ्यर्थी लगातार हजारों की संख्या में अभी निकले हैं और लगातार अलग अलग बातें और मांगे कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कुछ कर हाजी, हमारी मांगे हैं ये दो शिफ्ट एग्जाम खत्म हो। ये दो शिफ्ट से आप लोग डरते हैं? परसेंटाइल से डरते हैं, जबकि नोटिफिकेशन में चर्चा ही नहीं है, फिर कैसे लीजिएगा आप एग्जाम? ये बोलती है आपने चर्चा किया नोटिफिकेशन में, बीच खेल में आप नियम बदल रहे हैं। बोलिए तो क्या क्या दो शिफ्ट में कराने से क्या सेटिंग गेटिंग हो रही है? सेटिंग तो हो ही रही है, तभी तो कराया जा रहा है। और देखिए खेल के बीच में आप नियम नहीं बदल सकते हैं। पहली बार जब हुआ था तो एक बार एग्जाम हो चुका है और नोटिफिकेशन में किया गया है जिक्र कि एक ही कट ऑफ होगा और एक शिफ्ट में लिया जाएगा। अगर आप दोबारा लेते हैं एग्जाम तो इसका मतलब होगा कि कोर्ट में मामला जाएगा और ये मामला 2-3 साल फंस सकता है। हम लोग इसके लिए राजी नहीं है। तो जो एक बार एग्जाम हो चुका है हम लोग चाहते हैं कि उसी पैटर्न पे एग्जाम फिर से हो। और इसमें इन्होंने कहा था कि आप लोग 31 को आइए, लेकिन उससे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हम लोग दो शिफ्ट में ही लेंगे और परसेंटाइल के साथ ही लेंगे। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जब तक वापस नहीं लेंगे हम लोग को आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा, तो हम लोग बैठेंगे, लेकिन हम लोग इसको नहीं मान रहे हैं। 20 और 22 सितंबर को एग्जाम है, यही वाला ना पीटी पहला जो 67वीं बीपीएससी का? हाँ, पीटी का जो एग्जाम है हम लोग इस पे नहीं एग्री कर रहे हैं। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ तैयारी? हम लोग चंपारण से आए हैं, सेल्फ स्टडी से तैयारी करते हैं। इतने अभ्यर्थी अभी कहाँ जाएंगे? यहाँ से हम लोग मार्च करते हुए गांधी मैदान जाएंगे और गांधी मैदान से हम लोग बीपीएससी गेट जाएंगे और हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम इधर से कहाँ रास्ता है गांधी मैदान का? है भिखना पहाड़ी होते हुए मुसलमपुर हाट होते हुए हम लोग निकलेंगे। यहाँ से ये लोग भिखना पहाड़ी जाएंगे, उसके बाद गांधी मैदान जाएंगे, कहाँ है पुलिस को चकमा उकमा देने के लिए? पुलिस को कोई चकमा नहीं, गांधी मैदान कहाँ पुलिस नहीं। आप तो कहते हैं चप्पा चप्पा पे पुलिस है, तो पुलिस को चकमा कैसे दिया जा सकता है? देख रहे हैं अभी लगातार पुलिस प्रशासन भी टाइट है और अभ्यर्थी भी पूरी तरह से टाइट है। ये लोग अपने मुद्दे और बातों संख्या को देख सकते हैं, अभी बहुत सारे लोग दूर रहते हैं इसलिए नहीं पहुंच पाए हैं। कितनी की संख्या में हैं अभी? हम लोग कम से कम 3-4 हजार बच्चे हैं और बाकी लोग जुड़ते जा रहे हैं। शाम तक के संख्या 15-20 हजार जाएगी। कोचिंग उचिंग वाले लोग और ज्यादा हैं? कोचिंग वाले लोग हैं और सारे शिक्षकों का भी सपोर्ट मिल रहा है क्या? क्या क्या शिक्षकों का सपोर्ट? शिक्षकों का समर्थन है कि जो नियम बदल रहे हैं उसके खिलाफ हम लोग हैं। और बिहार ही क्यों, हमेशा आप कभी ई ऑप्शन कभी कुछ लेके आते हैं, तो हम लोग इसको लेके हम लोग नामंजूर हैं। हम लोग को ये नहीं चाहिए, आपको बदलना पड़ेगा। चलिए लगातार अभ्यर्थी, अभी पटना साइंस कॉलेज के पास पहुंचा हूं और अभ्यर्थी अपनी मांगों और बातों को लेकर अपनी कह सकते हैं कि लगातार यह धरना प्रदर्शन और आंदोलन की बातें कर रहे हैं। अभी बीपीएससी जाएंगे, पहले गांधी मैदान, इसके बाद जाएंगे, अभी पटना कॉलेज से निकले हैं। आप लगातार बने रहिए झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, अभ्यर्थियों से लेकर बिहार की सियासत तक की खबरें मैं लगातार ला रहा हूँ। धन्यवाद।